Hello everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are fine and doing good. Here I am Anjali Mishra from Patna, Bihar. So today it's 17th of August और आज मेरा CET का second slot का paper है. आज से exactly 1 month पहले 17th of July को हमारा NEET का paper हुआ था, जिसके experiences और क्या expected score है मेरा, इसके बारे में मैं अपने channel पर already share कर चुकी हूँ. तो CUET का फॉर्म मैंने स्पेशली इसलिए फिल करा था बिकॉज मैं JMI से बायोटेक्नोलॉजी को एंड BSc एग्रीकल्चर फ्रॉम BHU इन दोनों ऑप्शंस को एज अ सेकेंड ऑप्शन रखना चाहती थी आफ्टर नीट. बट जब से नीट का एग्ज़ाम देकर आई हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं CUET का एग्ज़ाम दूँ. फॉर्म फिल करने टाइम पर मुझे ऐसा लगा था कि मतलब जिस लेवल पर मेरी प्रिपरेशन थी नीट के लिए, उस वक्त मुझे लगा था कि मेरा तो नीट में हो जाना है इस बार, तो मैं चली जाऊँगी वहाँ पर कॉलेज. तो ये CUET का फॉर्म बस ऐसे ही एज अ सेकेंड ऑप्शन अगर कुछ इधर उधर हो जाए इसके लिए भरा था. बट आफ्टर नीट एग्जामिनेशन मेरा मन नहीं करा एग्ज़ाम देने का. मेरा फिर से एक बार मन है कि मैं फिर से अपना सारा स्ट्रेंथ गैदर करूँ और अपना 100% नीट एग्ज़ाम को ही दूँ बिकॉज इट्स माई फाइनल गोल. एंड मेरी फैमिली भी इस चीज़ में मुझे सपोर्ट कर रही है. इस चीज़ को लेकर अभी मुझे बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस हुआ था, इसके वजह से मैं वीडियोज़ ना बना पा रही हूँ. एंड मेरे पास बहुत सारे वीडियोज़ बचे हुए हैं एडिट करने को, वो भी मैं नहीं कर पा रही हूँ. एंड मैं CUET का प्रिपरेशन करना चाह रही थी, मतलब बहुत पढ़ना चाह रही थी बट नहीं पढ़ पा रही थी, खुद को उस ट्रैक पे नहीं ला पा रही हूँ बिकॉज एक अंडर कॉन्फिडेंट सा फील हो रहा है. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि माय नीट एग्ज़ाम वाज नॉट अप टू द मार्क कि मुझे सिलेक्शन इस बार मिल ही जाए. और जिस अकॉर्डिंग मैंने अभी तक कैलकुलेट किया है, वैसे तो मैंने ऑफिशियल आंसर की से मैच नहीं किया है, मैंने एलन या फिर शायद आकाश का आंसर किया था उससे मैच किया है. उस अकॉर्डिंग आई थिंक कि अगर कट ऑफ थोड़ा नीचे भी जाता है तो भी आई एम नॉट गेटिंग द कॉलेज दिस ईयर. दैट्स वाई माई पेरेंट्स आर आस्किंग कि एक बार फिर से ड्रॉप लेकर अपना 100% दो. तो अभी बीच में आ गया CUET का एग्ज़ाम, तो मेरा मन तो बिल्कुल नहीं था बिकॉज मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं है. दो दिन से मुझे फीवर आ रहा है एंड अभी भी मैं रात में दवा लेकर सोई थी एंड अभी भी मुझे दवा लेना है. बट माय फादर एडवाइस मी टू गिव दिस एग्ज़ाम बिकॉज ये जैसा कि एक कुछ दिन पहले नोटिस आया था कि UGC प्रपोज टू मर्ज CUET विथ नीट एंड JEE. दैट्स वाई मुझे लग रहा है अभी NTA सो अनप्रडक्टेबल. सो कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो लोग 2-3 महीने पहले बोल रहे कि CUET के थ्रू ही नीट और JEE एग्ज़ाम भी होगा. एंड तो इसीलिए मैंने इस साल फॉर्म भरा हुआ है, तो आई थिंक कि मैं एग्ज़ाम दे देती हूँ. और कुछ नहीं तो कम से कम एक ऑनलाइन एग्ज़ाम देने का एक्सपीरियंस हो जाएगा मुझे, क्योंकि मैंने ऑनलाइन एग्ज़ाम ज़्यादा दिया नहीं है. मैंने जो भी एग्ज़ाम्स दिए हैं और टेस्ट वगैरह दिए हैं सब OMR शीट पर ही दिए हैं, ऑफलाइन दिए हैं. तो मुझे ऑनलाइन एग्ज़ाम देने का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है. दैट्स वाई आई एम थिंकिंग कि मैं एक बार दे ही दूँ. तो आज मेरा सेकेंड स्लॉट का पेपर है और उसमें है मेरा फिजिक्स, एग्रीकल्चर एंड हिंदी. और मैं 3 बजे एग्ज़ाम है एंड माय सेंटर इज़ NIT पटना. तो अभी मैं सो के उठी हूँ और अभी वक्त हो रहा है अराउंड 9:30 और मेरे बॉडी में इतना ज़्यादा पेन है. मैं रात में भी मेडिसिन लेकर सोई थी और अभी भी मुझे मेडिसिन लेना है खा के. तो अभी मैं जा रही हूँ जल्दी से नहाने के लिए एंड उसके बाद खा के हम लोग 1 बजे तक यहाँ से निकलेंगे फॉर NIT. चिल्ड्रन स्टे ट्यून्ड इन द वीडियो. बाय. A few minutes later. So guys, अभी मैंने नहा लिया है एंड अभी थोड़ा सा पूजा भी किया है. तो अभी मैं जा रही हूँ लंच करने के लिए एंड आफ्टर दैट मुझे मेडिसिन भी लेना है. मेरा एग्ज़ाम है 3 बजे से 3 to 5:15 PM इन द इवनिंग और हम लोगों को वहाँ पे पहुँचना होगा 1 बजे तक. रिपोर्टिंग टाइम 1 बजे है एंड द गेट क्लोजिंग टाइम इज़ 2:30 PM. सो अभी मैं जल्दी से जाकर लंच करती हूँ एंड आफ्टर दैट वी विल लीव फॉर NIT. Okay then. Bye. 1 eternity later. Guys, finally it's around 1 PM and I am ready to leave for NIT Patna.
सो अभी मम्मा ने मेरे लिए दही वगैरह रखा है, वो आज जल्दी ही आ गई हाफ डे का लीव लेके मेरे साथ जा सके। तो अभी मैं, मम्मा और मेरा भाई जा रहे हैं एग्जामिनेशन सेंटर पे, और मम्मी ने मेरे लिए दही वगैरह रखा है और वो खा के मैं निकलूँगी अभी तुरंत। एंड मेरा एग्ज़ाम शुरू होने वाला है 3 बजे से, 3 से 5:15, और आज मेरा पेपर है फिजिक्स, हिंदी एंड एग्रीकल्चर का। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो अभी मैं जल्दी से जाती हूँ। गाइज फाइनली हम लोग पहुँच गए थे अपने डेस्टिनेशन पे, एंड यस दिस इज NIT पटना। मतलब ये नहीं है, इस रोड पे आगे चलते चलते एंड होते होते NIT पटना आ जाता है, कॉलेज की मेन बिल्डिंग आ जाती है। एंड इसके कॉलेज के जस्ट बगल में NIT घाट है, विच इज़ कंसिडर्ड एज द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेस ऑफ पटना। अगर कोई ये वीडियो जो देख रहा है वो अगर पटना के रहने वाले हैं तो आई नो कि वो अपने एक ना एक लाइफ टाइम में वहाँ गए ही होंगे, और अगर नहीं भी गए हैं तो आई सजेस्ट यू, आई एडवाइस यू कि आप वहाँ ज़रूर जाओ। लोग वहाँ पे पीस की खोज में जाते हैं, शांति की खोज में जाते हैं, एक अलग ही सुकून है वहाँ पे, वहाँ की हवाओं में। वो गंगा रिवर के साइड पे बनाया हुआ है, सो इट इज़ सो ब्यूटीफुल। तो आप लोग को ज़रूर जाना चाहिए। मैं भी नहीं गई थी, बट इससे पहले मेरे भाई का एग्जामिनेशन सेंटर जून मंथ में पड़ा था यहीं पे, तो उसी बार मैं सबसे पहले गई। एंड मुझे फील हुआ कि मैंने कितनी बड़ी चीज़ मिस कर रखी थी पटना में, बचपन से रहने के बावजूद भी मैं नहीं यहाँ आ पाई थी। सो दिस इज़ द मेन बिल्डिंग ऑफ IIT पटना। द बिल्डिंग तो बहुत पुरानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुराना है, बट स्टिल द ड्रीम प्लेस ऑफ मेनी ऑफ द इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स। एंड मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी भी इसमें इसके अंदर जा पाऊँगी, इसमें अपने कदम रख पाऊँगी। एंड ये मैं बहुत अपना गुड लक कंसिडर करती हूँ कि मैं इस जगह पर आ पाई। बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट, ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी नहीं एक्सपेक्ट करेगा कि वो NIT या फिर IITs में जा सकता है। सो आई कंसिडर दिस एज माई गुड लक कि मेरा एग्जाम सेंटर वहाँ पर आ। सो वहाँ जाने के बाद मैं MK नर्सिंग चाय वाली से मिली, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है अभी YouTube वगैरह पे, आपने भी इनको देखा होगा। तो ये वही है, और मेरी मम्मा कितने अच्छे से बात कर रही हैं, क्योंकि इससे पहले अभी हम लोग मिल चुके हैं। जब मेरे भाई का JEE मेन्स का फर्स्ट अटैम्प्ट का सेंटर NIT पटना में ही पता था, तो हम लोग आए थे, तो इन्होंने सबसे फर्स्ट डे वहाँ पे चाय का शॉप लगाया था, और उसी दिन से मेरी मम्मा से इनकी बात होने लगी। एंड मेरी मम्मा की इनका नेचर ऐसा है ना कि वो हर किसी को अपना बना लेती है, वो देखते ही मम्मा को पहचान गई एंड उनसे बात करने लगी, और उन्होंने बोला कि मैं आपको चाय बना के पिलाती हूँ, और उन्होंने मुझे एग्ज़ाम के लिए भी गुड लक विश किया। एंड आफ्टर दैट मैं अपने सेंटर में घुस गई थी, और यहाँ पे ये सब चेकिंग वगैरह हो रहा है, एडमिट कार्ड और आधार कार्ड वगैरह चेकिंग हो रहा है। फिर गार्ड ने मुझे बोला, जो सर पे मैंने एक छोटा सा क्लिप लगाया था, पता नहीं कैसे मेरे दिमाग से मिस हो गया, उन्होंने मुझे बोला ये निकाल के रख लो, तो मैंने निकाल के रखा। एंड आफ्टर दैट अब मैं जा रही हूँ एग्जामिनेशन हॉल में। अभी मैं मम्मा को प्रणाम करूँगी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी काम करने से पहले मैं मम्मी को प्रणाम ज़रूर करती हूँ, बचपन से मेरी आदत है। और यहाँ पर मैं अपने भाई को बाय बोल रही थी, एंड वो पता नहीं कैसे तो मेरे पीछे पीछे आ गया, मुझे लगा कि नहीं आएगा सेंटर के अंदर, बट वो पीछे पीछे आ गया। तो मैंने उसको बोला कि सेंटर का बहुत अच्छे से वीडियो लेने के लिए, बिकॉज गॉड नोज कभी मैं दोबारा आ भी पाऊँगी या नहीं आ पाऊँगी यहाँ पे। वैसे मेरे भाई को मिल रहा है NIT, बट जो ब्रांच वो रिक्वायर्ड, मतलब जो ब्रांच वो लेना चाहता है वो उसे नहीं मिल रहा है, तो गॉड नोज वो लेगा या नहीं लेगा एडमिशन इसमें। तो वो आ गया अंदर, और अब मैं यहाँ से चली जाऊँगी, इधर से मेन बिल्डिंग है, तो मैं जा रही हूँ एग्जामिनेशन हॉल में। फर्स्ट टाइम, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा ऑनलाइन एग्जाम का, बिकॉज इससे पहले जो भी मैंने एग्जाम वगैरह दिए हैं सब ऑफलाइन दिए हैं, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो बहुत डर भी लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, बट स्टिल मेरे भाई ने मुझे बहुत गाइडलाइन दिए थे कि इस तरह से देना है, इस तरह से देना है, वो करना है वो करना है। एंड दिस इज़ द मेन बिल्डिंग, कैंपस ऑफ NIT, जो कि बहुत ही खूबसूरत था। मतलब यहाँ पे रहने वाले लोगों का नेचर, बिहेवियर, एक्टिविटीज़ सब अलग है। एंड मेरा भाई मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था जब तक वो मैं उसे दिख रही थी, और उसके बाद उसने पूरा NIT का जितना उसे हो सका उसने वीडियो कैप्चर करा।
बिल्डिंग बहुत ज़्यादा पुरानी होने के बावजूद भी दिस इज़ अ ड्रीम डेस्टिनेशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जेई एस्पिरेंट्स. सो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे मिला मुझे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा मैं कभी भी इसके अंदर एंटर कर पाती, बिकॉज नीट पिट का सेंटर तो कभी इधर देता नहीं है. जब मैं एग्ज़ाम देने जा रही थी तब तो मैं उतने अच्छे से नहीं देख पाई थी, बट जब मैंने ये वीडियो देखा था ना, आई वॉज लाइक कि सच में बहुत ये है. आई नो कि इससे बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, बट मैंने अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा है ऐसा कुछ. इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी गोइंग टू NIT. लगभग 5:15 के अराउंड टाइम हो रहे हैं एंड मेरी मम्मी और मेरा भाई बाहर में वेट कर रहे हैं मेरे एग्ज़ाम ख़त्म होने का. का एग्जाम में कैसा गया होगा? बहुत अच्छा गया होगा, उम्मीद तो है. आप इतना श्योर कैसे हैं? सही थी, मेहनत की थी, देखते हैं क्या होता है. चलिए देखते हैं, यही NIT पटना का मंजर है जहाँ पे लोग बार बार एग्जाम देके आते हैं और पास होके आते हैं. मेरे भाई ने अभी कहा कि यही NIT पटना वो मंजर है जहाँ लोग एग्जाम देके आते हैं और पास होके आते हैं. उसने ऐसा इसलिए कहा, उसका जो फर्स्ट अटेम्प्ट का JEE सेंटर पड़ा था वो यहीं पड़ा था एंड ही सिक्योर 96% इन दैट एग्जामिनेशन. दैट्स व्हाई यहाँ पे मैं उसके एग्जामिनेशन डे का क्लिप ऐड कर रही हूँ. सो गाइज, फाइनली आई एम हेयर एंड एग्जामिनेशन हॉल में हर किसी का कंप्यूटर सिस्टम बंद हो रहा था एंड आई वॉज प्रेइंग टू गॉड कि मेरा ना हो एंड नहीं हुआ मेरा. सो मैं टाइम पे ही आ गई एंड माई एग्जाम वॉज गुड. ओके एंड यहाँ पे मम्मी और मेरा भाई मुझे उम्मीद की नज़रों से देखते हुए. बेरोजगार CUET एस्पिरेंट आ चुका है यहाँ पे. म्यूजिक इसके बाद हम लोग कुछ देर के लिए NIT घाट पे भी गए थे, बट मैं इस वीडियो में उसको ऐड नहीं कर रही हूँ बिकॉज वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है और भी बहुत लंबी हो जाएगी, उसको मैं किसी दूसरे वीडियो में ऐड करूँगी. सो दैट वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो एंड ये मेरा CUET का फर्स्ट स्लॉट का एग्जाम था एंड सेकंड स्लॉट 20th को है, तो उसकी वीडियो में मैं जल्दी अपलोड करूँगी. अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट टू शेयर लव एंड सपोर्ट. टिल देन स्टे ट्यून्ड ऑन माय चैनल. बाय बाय.